अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मौसम अच्छा है आज, वैसे बारिश का मौसम है, पंखे भी घूम रहे हैं। तो गाइस, बात ये शेयर करना चाहता हूँ, आपसे कि मेरा जो मेरे नेबर कल मेरे पास आया, जो यहाँ रहता है आगे ना, लेडीज ही है, उसने आगे मुझे बताया कि रात को 10-11 बजे ना, कि गलती से मैंने तुम्हारी दीवार तोड़ दी है। यानी कि मेरी गाड़ी तुम्हारी दीवार पे लग गई है, तुम्हारी दीवार डैमेज हो गई है। आपको नजर आ रहा होगा कि दीवार डैमेज हो गई है, ठीक है, सारी वजह से गाड़ी भी डैमेज हो गई होगी। लेकिन बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ उसकी ईमानदारी की, कि वो खुद मेरे पास आई और बताया कि उससे गलती हो गई है, दीवार टूट गई है, और फिक्र ना करो, मैं सही करवा दूंगी। हालांकि मुझे पता भी नहीं था, ना मैंने देखा। तो गाइस, बात ये है कि इंसानियत की और ईमानदारी की, ठीक है, गलती हो गई उससे, उसने आगे खुद ही बता दिया और कहा मैं ठीक भी करवा दूंगी। तो मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता था कि कोशिश करें कि आप लोग भी सच बोलें, ठीक है, और सच का साथ दें और हमेशा ईमानदारी रहें। कोई किसी का नुकसान करके आप अपना फायदा नहीं कर सकते। आप किसी का नुकसान करोगे, ये सोचोगे कि मैं अपना फायदा कर लूं, ना बताऊं, तो आपका उल्टा डबल नुकसान हो जाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है। तो बात तो यही है गाइस, जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। यहाँ पे जो लोग हैं वो बस एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं। जैसे कि आपको बताया हूँ, हमारे जो है ना ग्रुप है फेसबुक पे, पबजी ग्रुप भी है, लूडो ग्रुप भी है, ठीक है, वहां पे लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्कैम कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ तो 50-50 रुपए का स्कैम कर देते हैं भाई। तो बात ये है कि स्कैम करके या किसी को लूट के या किसी के पैसे लेके आप बड़े नहीं बन सकते, ठीक है, चोर की कभी पूरी नहीं पड़ती। लेकिन देखो, जो है ना ईमानदारी की बात देखो, उसने खुद ही आगे बता दिया कि मुझसे ये दीवार टूट गई है, मैं पैसे दे दूंगी। तो सोचा आपसे शेयर कर लूं। तो गाइस, वो याद होगा आपका, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरे नेबर्स ने गाड़ी मार के मेरी दीवार तोड़ दी थी, याद है आपको, पता नहीं किसको याद किसको नहीं याद। चलो, तो गाइस बात यह है कि नेबर्स ने वो दीवार सही करवा दी है। तो ये है वो दीवार जो नेबर ने गाड़ी मार के तोड़ दी थी, फिर उसने खुद ही सही करवा दिया। ये वो चीज तो नहीं रही जो पहले थी, जहरी बात है पहले ऐसी थी, ये पूरी वो इस तरह टाइल थी जो भी ऊपर स्लेट रखी हुई है, ऐसी थी पूरी। अब ये है कि उसने नीचे ईंटों को जोर के सीमेंट सुमेंट लगा के तो इस तरह कर दिया। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन मुझे वैसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन चलो उसने करवा दिया। ये है कि उसने खुद ही आके बता दिया कि मैंने दीवार तोड़ दी है, फिर खुद ही सही भी करवा दिया। गाइस, करवाया तो उसने बहुत लेट है, लेकिन चलो करवा दिया। बाकी मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जैसे ये दीवार है वो चीज नहीं आ रही, देखना जैसे ये है ना, आपको नजर आ रहा होगा, ये चीज पूरी एक चीज है, ये भी ये टूटी हुई है, वो उसमें सीमा लगा के चिबोगरी बना दी है। तो देख, तो नेबर से मैं बात करूंगा दोबारा, ये क्या उसने किया है, इस गली में घर है उसका, कौन सी गाड़ी मारी उसने कहीं से आके। और गाइस, आप सुनाएं क्या हाल चाल है। आज मौसम अच्छा था, मेरा मतलब मौसम बुरा था। ये पंखे भी घूम रहे हैं नीचे, ये दो पंखे नीचे हैं, एक इधर एक उधर, और उधर वाले भी सारे घूम रहे हैं जो उस तरफ है, वो बहुत सारे पंखे, वहाँ का भी चल रही है आज जबरदस्त किस्म का। तो और आप सुनाएं क्या हाल चाल है गाइस, आप ठीक हैं, दरख्त वगैरह हिल रहे हैं। मैंने कुछ लाइटें लगाई थी इधर गार्डन में, दिखाता हूँ आपको लाइटें,
ये मैं लेके आया था। ये लगाई है, जब रात हो गया तो ये ऑन हो जाएंगी। ये रोशनी देती हैं, काफी इनकी रोशनी होती है। एक इस तरह भी है। ये जो सनलाइट है, यानी कि ना सूरज, ये सूरज से चार्ज होती है पूरा दिन, और रात को जैसे ही डार्क होगा ये ऑन हो जाएगी। ये किधर भी है, ये देखें, ये सनलाइट से चार्ज होती है, सोलर लाइट है, सोलो। तो बाकी आज सुना है जो ना कराची में मौसम अच्छा रहा है, वहां बारिश हुई है, यहाँ तो वैसे रोजाना बारिश होती है। तो क्या कह सकते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी। तो आप सुनाएं गाइस, ठीक है? इस तरह भी बादल आए हुए हैं, तकरीबन हर तरह बादल ही है यहाँ तो, रोज ही बादल होते हैं। हम तो चाहते हैं मुझे सूरज निकले, लेकिन नहीं निकलता। गर्मी हो या सर्दी, ऐसे ही रहता तकरीबन ऑलमोस्ट। तो बाकी मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आपको बता दूं, दीवार बन गई है। मैंने भी देखा है दीवार को ना, तो मुझे कहा था कि वीकेंड पे मैं दीवार बनाऊंगी, यानी कि वो जो बंदा ना वीकेंड पे आके बनाएगा। दीवार तो बनाएगा, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं आई। आप बताएं, आपके ख्याल से ठीक बनी क्या नहीं बनी? मैंने उसे, मैं दोबारा कहता हूँ कि दीवार को सही कर, क्योंकि वो चीज ना नजर आ रही थी। जैसे देखिए ना, ये दीवार है, ये दीवार है पूरी, यानी कि इस पे वो है ना, उसने वो टूटी हुई को उधर ही जो है ना वो लगा दिया, अजीब बना दिया। ये देखे ना, यहाँ पे जो है पट्टियां लगा दी उसने, बरम पट्टी कर दी उसने, पैसे की उसने की है बचत। शायद उसको सेम जो है ना वो स्टोन नहीं मिला, उसने कहा ये लगा के जोड़ देते हैं बस। चलो खैर, कोई नहीं, देखता हूँ क्या करना। चलें गाइस, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने एक वीडियो बनाई थी, तुम्हारे से उसमें बताया था वो लाइट के बारे में, ठीक है? तो वो फिर मैंने सोचा कि अभी मगरिब का टाइम हो गया है, मैंने वजू किया, बाहर देखा तो लाइटें चल पड़ी थी, सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो ये है जी वो लाइट जो मैं आपको बता रहा था। तो जैसे ये डार्क होता है तो ये लाइटें ऑन हो जाती है, जैसे ये देखे ना, ये लाइट भी ऑन हो गई है, ठीक है? जैसे ये डार्क हुआ है, तो इस तरह एक लाइट ये भी है, अभी जब ज्यादा डार्क होगा तो ये लाइट ज्यादा फैल जाएगी। तो अभी यानी कि आपको नजर आ रही है लाइट, लेकिन क्योंकि अभी डार्क ज्यादा नहीं ना हुआ, तो ऐसे ये लाइट भी है। और ये लाइट जो है ना, ये सोलो पावर है, यानी कि ये सोलो पावर, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, बस यहाँ छोड़ दो खुद ही चार्ज होती रहेगी। तो सोचा मैं ये भी ऐड कर दूं अपनी वीडियो में साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको दिखाई थी लाइट जब बंद थी, तब टाइम नहीं हुआ था मगरिब का, अब टाइम हो गया, तो मैं चलो एक क्लिप बना के शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। गाइस ठीक है, फिर दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।